हे गाइस वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्पीड टेस्ट करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 855 वर्सेस पोको X3। और कभी भी किसी को कम मत समझना, रियलमी 7 जिसमें मीडियाटेक G95 देखने को मिलता है, उसने कुछ चीज़ों में स्नैपड्रैगन 855 को हराया था और ऐसे ही कुछ सीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो हो जाए स्नैपड्रैगन 855 वर्सेस पोको X3 स्नैपड्रैगन 732G। स्नैपड्रैगन 855 वाले OnePlus 7 Pro में भी आपको 90Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे पोको X3 में भी आपको 120Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। सो दोनों भी फ़ोन में डिस्प्ले रिफ्रेश रेट यहाँ पे इनेबल है। तो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हम। मेरे पास दोनों भी फ़ोन में सेम साइज़ का या सेम GB का एक ZIP फाइल है, उसको हम एट ए टाइम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस ZIP फाइल को और देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा फ़ोन इस ZIP फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जो ZIP फाइल एक्सट्रैक्ट किया है उसे हम दूसरे फोल्डर में कॉपी करेंगे और देख लेते हैं सबसे पहले कौन कॉपी करता है। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 1 2 और गो। ओ माय गॉड, यहाँ पे पोको X3 ने सबसे पहले ZIP फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है और उसके कुछ सेकंड बाद OnePlus 7 Pro मतलब 855 ने एक्सट्रैक्ट किया है। सो गाइस, जो फाइल हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसको हम दूसरे फोल्डर में कॉपी करके देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन यहाँ पे कॉपी कर लेता है। सो प्रैक्टिकल या डेली लाइफ में हम यार कुछ चीज़ों को कॉपी मूव पेस्ट करते ही रहते हैं। सो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि 855 के आगे ये पोको X3 कैसे परफॉर्म करता है। सो 1 2 और गो। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी यार सबसे पहले पोको X3 ने कॉपी किया है जैसे कि रियलमी 7 ने किया था। सच में यार मज़ा आ गया। मतलब देख सकते हो आप 855 को भी कुछ मामलों में ये मिड रेंजर फ़ोन हरा देते हैं। तो यहाँ पे यार वेल डन पोको X3। और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन से एक वीडियो को एक्सपोर्ट और देख लेते कि एक वीडियो बना के ये वीडियो एक्सपोर्ट करके सबसे पहले कौन सा फ़ोन यहाँ पे एक्सपोर्टिंग कर पाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों भी फ़ोन में सेम लेंथ का सेम साइज़ का एक वीडियो क्रिएट किया हूँ। सो यहाँ पे जो मैं एक्सपोर्ट करूँगा वो भी सेम रिजोल्यूशन के साथ रहेगा और सेम MB का ही रहेगा और देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा फ़ोन वीडियो को यहाँ पे फिनिश कर लेता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि सेम MV का फाइल होने वाला है, तो दोनों भी फ़ोन में सेम MV का फाइल आप देख सकते हो। और पोको X3 4K को सपोर्ट नहीं करता है 4K एडिटिंग को, तो यहाँ पे OnePlus 7 Pro ईजिली 4K को सपोर्ट करता है जैसे कि आप देख सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक्सपोर्टिंग को और देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा फ़ोन फिनिश कर लेता है। तो सबसे पहले फिनिश किया है OnePlus 7 Pro ने, जैसे कि यार 855 हमें तेज देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों भी फ़ोन के रिसेंट में कुछ भी ऐप नहीं चल रहा है, सो हम सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन ओपन करके देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन यहाँ पे फटाफट ओपन करता है। सो फोन APK सबसे पहले OnePlus 7 Pro, उसके बाद मैसेज APK 1 2 और गो। मैसेज APK भी सबसे पहले OnePlus 7 Pro ने ओपन किया, उसके बाद सेटिंग ऐप 1 2 गो। सेटिंग ऐप भी सबसे पहले OnePlus 7 Pro ने ओपन किया, हालांकि टच सैम्पलिंग रेट पोको X3 का ज़्यादा है। और गैलरी ऐप भी सबसे पहले OnePlus 7 Pro ने ओपन किया। सो मैक्सिमम सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन OnePlus मतलब सारे के सारे OnePlus 7 Pro ने ही ओपन किए हैं। उसके साथ यहाँ पे कैमरा ऐप 1 2 गो, और ये यहाँ पे भी देख सकते हो OnePlus 7 Pro ने ही सबसे पहले ओपन किया। उसके साथ दोनों भी फ़ोन को मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट किया है और ओपन करके देख लेते हैं PUBG को। PUBG सबसे पहले ओपन किसी फ़ोन में होता है, मतलब कौन से फ़ोन में होता है। सो टच सैम्पलिंग रेट देख सकते हो, उसके वजह से पोको X3 में सबसे पहले यहाँ पे टच हुआ, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में ओपन हुआ। और उसके बाद देख सकते हो कि आगे मुझे OnePlus 7 Pro लग रहा है, नहीं पोको X3 है। या सबसे पहले OnePlus 7 Pro ने ओपन किया है PUBG को और थोड़ा सा पीछे था पोको X3, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था।
उसके साथ यहाँ पे चेक कर लेते हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिल जाता है ये भी चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले सेम टाइम पे हम इसका टेस्ट स्टार्ट करेंगे और देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन फिनिश करता है Antutu बेंचमार्क स्कोर को। सो 1 2 और गो। तो सबसे पहले फिनिश किया है वन प्लस सेवन प्रो ने, बट गाइज इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों भी फ़ोन ऑलमोस्ट सेम ही फिनिश करने वाले थे, बट जस्ट कुछ सेकंड में वन प्लस सेवन प्रो ने फिनिश किया और स्कोर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्कोर आपको वन प्लस सेवन प्रो का देखने को मिल जाता है। 855 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसके बाद 732G का भी स्कोर आप देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे पोको X3 में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और वन प्लस सेवन प्रो में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। तो चेक कर लेते हैं किसका फिंगरप्रिंट यहाँ पे फास्ट है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे तो स्लाइटली वन प्लस सेवन प्रो का ही फास्ट लगा। मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको किसका दिख रहा है फास्ट। 1 2 गो। यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि वन प्लस सेवन प्रो का ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फास्ट है और मैं जब लॉक स्क्रीन से करता हूँ ओनली लॉक स्क्रीन से तभी यहाँ पे पोको X3 का मुझे फास्ट देखने को मिला। सो यार पोको X3 को अपने इस फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग मेथड के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। उसके साथ मेरे फ़ोन में मतलब दोनों भी फ़ोन में सेम MB का एप्लीकेशन है 100 MB का। देख लेते हैं कि सबसे पहले इस एप्लीकेशन को कौन सा फ़ोन इंस्टॉल कर पाता है। सो 1 2 और गो। ओहो, सबसे पहले इंस्टॉल किया है पोको X3 ने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो। और बात करें कैमरा शटर स्पीड की तो यहाँ पे मुझे पोको X3 का स्लाइडली फास्ट देखने को मिला एज कम्पेयर टू वन प्लस सेवन प्रो। जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि पोको X3 का कैमरा शटर का स्पीड ज़्यादा है। और उसके साथ यहाँ पे रिबूट टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सिस्टम में सबसे पहले कौन सा फ़ोन यहाँ पे बूट होता है। सो 1 2 और गो। दोनों भी फ़ोन में अपने अपने OS के लोगो यहाँ पे आ चुके हैं बट यहाँ पे मुझे पोको X3, अरे बाप रे, यहाँ पे सबसे पहले बूट हो चुका है सिस्टम में पोको X3। और यार ये भी बहुत बड़ी बात है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सो गाइस ऐसा कुछ मेरा इंटरेस्टिंग स्पीड टेस्ट था स्नैपड्रैगन 855 वर्सेस पोको X3 का। सो यार बहुत मज़ा आया और पोको X3 कुछ कुछ मामलों में आगे मतलब बेटर काम करता है स्नैपड्रैगन 855 से। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।